एक्सरसाइज जो 5A है इसका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं अपने पीछे, तो उनमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के है इंपॉर्टेंट है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पहले जा रहे हैं, इसके कुछ पार्ट डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 9 है, लास्ट हमने क्वेश्चन इसमें 1-2 डिस्कस किए थे। जैसे कि आपके पास कुछ हम बात कर रहे हैं बार बार के लॉज ऑफ इंडेसिस के हवाले से, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अगर दो एलिमेंट ए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, देन यू विल पुट बेस एंड यू विल ऐड द पावर। अगर ये डिवाइड हो रहे हैं और कि अगर बेसिस सेम है तो बेस हम एक दफ़ा लिखते हैं और हम पावर्स को बेटा क्या कर देते हैं, माइनस सबट्रैक्ट। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जो बार बार आपको एग्जाम में आना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास है इसी तरीके से आपके पास ए, अगर हमारे पास है ए बी होल रेज टू पावर एन, तो ये ए रेज टू पावर पे एन होता है बेटा, बी रेज टू पावर पे एन होगा। सिमिलरली अगर आपके पास जो है ए ओवर बी रेज टू पावर एन हो, तो दैट विल बी ए रेज टू पावर एन ओवर बी रेज टू पावर एन। मतलब वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी वही कॉन्सेप्ट है, जब आप डिवाइड की बात करें तब भी आपका कॉन्सेप्ट वही आ गया। उसके बाद आपके पास जो है अगर ए की पावर एम है और होल रेज टू पावर एन, यानी पावर टू पावर है, तो वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स हमारे कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं। और इसके अलावा हमारे आगे भी जाके पढ़ेंगे, अगर किसी भी बेस की पावर जीरो हो जाती है उसका आंसर हमेशा 1 होगा। किसी भी बेस पावर क्या होगी, 0 होगी, उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसको मैं किसी और उसमें वीडियो में एक्सप्लेन भी करूँगा। अब आ जाते पहला ए पार्ट, आप देखें इसमें हम पहला रूल अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर 2x² y होल रेज टू पावर, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये 2 की पावर भी 3 है, एक्स स्क्वेयर है उसकी पावर भी 3 आ रही है और वाई की पावर भी 3 होगी। देन अब लिखा हुआ है 10x y रेज टू पावर 3 होल स्क्वेयर, सो इसका मतलब है ये 10 का बेटा स्क्वेयर है और x का भी स्क्वेयर है, y रेज टू पावर 3 है और उसका भी स्क्वेयर है। लिखते हुए ख्याल करना है कि ये जो y पावर 3 है ये सिर्फ y के ऊपर है और होल का स्क्वेयर जब है उसको आपने ब्रैकेट को जो है आपने अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 3 x रेज टू पावर 3 एज वेल एज y रेज टू पावर 4 एंड द होल पावर विल बी 3 इन द nominated form, no power is given to you, that only the expression is 4xy, you will just write this expression. Now 2 raised to power 3 means 2 will be multiplied by 3 times by itself, okay. और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक करते हैं अच्छे से बच्चे भी जल्दी से, कि 2 3 का 6 नहीं करना हमने, 2 multiplied by 2 multiplied by 10 will be 8, x raised to power से power है that will be 6, y raised to power 3, 10 raised to power 2 means 100. square of 10, so that will be 100. x raised to power 2 and y raised to power 6 times, 5 raised to power 3 means you will multiply with 5 3 times, okay, so that will give you 125, x raised to power 3, y raised to power 12 upon 4x and 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने आगे जल्दी नहीं करनी, थोड़ा सा जब कैलकुलेशन को जब आपने सिंपलीफाई करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले देखिए आप नंबर्स को देखें, कि नंबर्स को सिंपलीफाई कर लें, जो नंबर लिखे हुए हैं आप नंबर्स को सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। तो आप उसके बाद जो है उसको कैसे देखिएगा, मैं सपोज में कर रहा हूँ ये मेरा लिखा हुआ है 4-1 का और 4-2 का, उसके बाद देखिए अगर हम 25 से करते हैं या 5 से भी करते हैं, 520 था, ठीक है, और 525 था, 125 हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर अब अगर हम फिर 5 से कैंसिल करें तो 54 था और 55 था, फिर देखिएगा 21 था और 22 था, यानी कि जिस तरीके से भी आप नंबर्स को कैंसिल आउट करेंगे, जो भी आप वे आउट एक्सार करेंगे, तो नंबर में देखें ऊपर बेटा हमारे पास 5 आ गया है और नीचे हमारे पास 2 है, तो नंबर पे ये सिंपलीफाई होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस स्टेप को देखेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे फिर मिस्टेक करते हैं। इसका तरीका ये है कि पहले आपने न्यूमिरेटर को देखना है, प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा इसको,
पहले आपने न्यूमरेटर को देखना है, इसको छोड़ दिया डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर में क्या था, x रेज पावर 6, x रेज पावर 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x रेज टू पावर 1 क्या हो जाएगी, 9 पावर ऐड हो जाएगी। y रेज टू पावर 3, y रेज पावर 12, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड कर देंगे, 3 प्लस 12 दैट विल बी 15, ठीक हो गया। अब आप इसमें डिनोमिनेटर पे आ, x रेज टू पावर 2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x रेज टू पावर 1, तो दैट विल बी x रेज टू पावर 3, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाए। y बेटा क्या लिखा हुआ है, y रेज पावर 6, y रेज पावर 1, तो y की दफा लिखेंगे, पावर ऐड हो जाएगी, दैट विल बी, ठीक हो गया। बाद में स्टूडेंट यहाँ पे आके ना यूं कैंसिल करना शुरू कर देते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाती है, हो गया। अब आपके पास आसान हो गया मजीद, देखिए नंबर्स में तो 5/2 ही लिखा हुआ है और सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रही। एक्स पावर बेटा यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आपके पास एक्स पावर 3 आ गया। लास्ट मैंने बताया था कि जो कम पावर है, मिनिमम पावर है, उसको आप चेंज करें ताकि हमारे पास ओवरऑल जो पावर है वो पॉजिटिव के रह जाए, ठीक है। अच्छा क्या होगा बेटा, ऊपर जब ले जाएंगे x की पावर 9 माइनस 3, और इसको बेटा ऊपर ले जाएंगे y की पावर 15 माइनस 7, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, इसकी माइनस हो जाएगी, बेसिकली ये डिवाइड हो। हाँ जी, ओवरऑल हमारे पास बेटा आंसर आ रहा है जी 5/2 x रेज टू पावर 6, y रेज टू पावर 8, आपके पास आ जाएगा 8, ये आपके पास ओवरऑल आंसर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे जिससे आपकी मिस्टेक नहीं हो, तो 5 पर आप डिवाइड करके हम जरूरत नहीं है, ऐसे रहने दें वो, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली ये जो क्वेश्चन होते हैं ये पेपर 1 में होते हैं, और पेपर 1 में नॉर्मली आपके पास कैलकुलेटर वैसे अलाउड नहीं है। हम बी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो बी पार्ट में आपके पास है 8 x रे पावर 8 y रे पावर 4 अपॉन 2 x y स्क्वायर एंड होल रे पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 4 x स्क्वायर y स्क्वायर होल रेज टू पावर 2 एंड अपॉन 3 एक्स वाई होल रेज टू पावर 10, ठीक है। और जब आप प्लीज क्वेश्चन को आप नोट कर रहे हैं, क्वेश्चन को जब आप खुद नोट कर रहे हैं तो उसको भी आपने ख्याल रखना है सही तरीके से, इसको आपने नोट करना है, ठीक है बेटा। अब क्या करें, 8 एक्स रेज टू पावर 8 वाई 4 अपॉन ये y की पावर बेटा 2 हो जाएगा, और x की पावर भी 2 है, y रेज टू पावर 2 और उसकी पावर भी 2 है, मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर 2 x रेज टू पावर 2 होल पावर 2 और y रेज टू पावर 2 है उसकी पावर भी हमारे पास 2 आ जाएगी, 3 रेज टू पावर 2 x रेज टू पावर 2 और y रेज टू पावर 2, ठीक है। अब फर्दर पर किसी बच्चे को काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाती है और वो ये स्टेप मतलब ओमिट भी कर सकता है, वो डायरेक्ट भी वो चीज़ कर सकता है, लेकिन ड्रेड करने में मैंने लास्ट भी बताया था कि बहुत सारे बच्चे जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, अब यहाँ पर क्या होगा, 8 एक्स रेज टू पावर 8 वाई रेज टू पावर 4 2 रेज टू पावर 4 जब हम करेंगे तो दैट विल बी 4 2 रेज पावर 2 4 एक्स के और वाई रेज टू पावर 4, पावर से पावर बराबर में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई बाई देखें 4 रेज टू पावर 2 दैट विल बी 16 x रेज टू पावर 4 एंड 2 y जब करेंगे ये भी पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, y की पावर 4, 3 रेज टू पावर 2 दैट विल गिव यू 9 x रेज टू पावर 2 y रेज टू पावर 2, क्लियर हो गई बात। अब अपने बिल्कुल इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करना तरतीब से, अब पहले नंबर को देखें, पहले आप x वगैरह की फॉर्म में ना जाए, पहले नंबर को देखें। अब नंबर में बेटा क्या रहा है, 4 1s are 4, 4 2s are 8, ठीक हो गया। अब देखें ये 2 है और ये 16 है, नीचे क्या रहा है आपके पास, 3 आ रहा है, कैंसिल आउट नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा कि 2 16 आर 32 और अपॉन क्या हो जाएगा 9, नंबर में तो ये चीज होगी। फिर मैंने क्या कहा आपको कि आपने सिर्फ न्यूमिनेटर को देखना है, सिर्फ किसका देखना है बेटा, न्यूमिनेटर में x रेज टू पावर 8 है, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा x रेज टू पावर 4, तो x एक दफा लिखेंगे और ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा 8 प्लस 4 दैट विल बी 12, y रेज टू पावर ये बेटा 4 है और ये भी आपके पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे दैट विल बी 8। अब आ जाए नीचे x देखें, अब डिनोमिनेटर फॉर्म में हम बात कर रहे हैं x रेज टू पावर 2, यहाँ पे आ रहा है x रेज टू पावर 2, तो बेस एक दफा लिखेंगे पावर ऐड हो जाएगी तो दैट विल बी 4, y रेज टू पावर ये बेटा 4 है और ये क्या आ रहा है 2 आ रहा है, बेसिस क्योंकि सेम आ रही है, मल्टीप्लाई पावर ऐड करेंगे तो दैट विल बी 6,
हाँ जी, अब आपने देखना है नंबर्स में तो कोई चेंज नहीं आ रही, कि नंबर्स में आपके पास भाई 32 है बेटा और अपॉन 9 आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे आप इसको देखना है, आपने x को अलग देखना है, आपने सेपरेट देखेंगे और y को हम सेपरेटली देखेंगे, और ये दे आर गोइंग टू डिवाइड, डिवाइड हो रहे हैं। देखें बेसिस सेम है और ऊपर पावर ज़्यादा है आपके पास, बड़ी पावर है, तो एक्स हो गया बेटा 12 और जब 4 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, y की पावर 8 और क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 6, क्योंकि जब डिवाइड हो रहा होता है तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, तो दैट विल गिव यू 32 अपॉन 9 एक्स रेस टू पावर 8 और वाई रेस टू पावर 2, ये इसका आपका ओवरऑल आंसर है। ठीक है जी, अच्छा इस पार्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो चार पार्ट है, फिलहाल मैंने इसको दो पार्ट किए हैं, बाकी जो दो पार्ट हैं सी पार्ट और डी पार्ट वो भी आपने इसको आपके पास, ठीक है, वो भी उसी टाइप का है जैसे हमने अभी क्वेश्चन ए और बी पार्ट की है, और इसके जो डी पार्ट आपके पास आ रहा है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है जी, बेसिस का कॉन्सेप्ट भी अभी आ रहा है और यहाँ पे साइमल्टेनियस का भी आ रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि इसको उस तरह ही सिंप्लीफाई करना है जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन सिंप्लीफाई किए हैं। ठीक है जी, देखिए कैसे करना है बेटा, इसको मैं जरा डट कर रहा हूँ थोड़ा सा, 2 की पावर 4 बेटा क्या आ जाएगी आपके पास 2 रेस पावर 4 16, p की पावर 3 है उसकी भी जब पावर 4 लेंगे पावर से पावर क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा p रेस टू पावर 12, q रेस टू पावर पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो पावर 16 होल डिवाइडेड बाय, अब देखिए बेटा यहाँ पे माइनस आया हुआ है और ऊपर पावर स्क्वेयर है, साइन कौन सा लगेगा, प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, प्लस प्लस लगेगा क्योंकि पावर 2 टाइम्स है, इवन पावर अगर होती है तो साइन आपका प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वेयर क्या माइनस 3 का स्क्वेयर क्या होगा बेटा प्लस का 9। ठीक है जी, और q की पावर 5 है उसकी पावर भी जब 2 लेंगे तो q की पावर क्या हो जाएगी q रेस टू पावर 10 डिवाइडेड बाय, अब इसको डिवाइड लिख रहा हूं, हां जी 4 रेस टू पावर 2 16, p रेस टू पावर 4 और q की पावर भी आपके पास क्या आ रही है 2 आ रही है, नीचे आ जाएगा प्लस 9 और दिस इज इक्वल टू p रेस टू पावर a प्लस b अपॉन q रेस टू पावर a माइनस b। हाँ जी, अब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि क्योंकि आपके पास ये डिवाइड किया हुआ है तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और ये आपका रेसिप्रोकल बन जाएगा 9 अपॉन 16 पी रेस टू पावर 4 क्यू रेस टू पावर 2 और इज इक्वल टू पी रेस टू पावर ए प्लस बी ओवर क्यू रेस टू पावर ए माइनस बी। हाँ जी, अब इसको सिंपलीफाई बेटा कैसे करेंगे, वैसे जैसे हम पहले नंबर्स को करते हैं, दोबारा बोलिए 16 की जगह सर 0 आएगा, सॉरी यहाँ पे है 16 2 रेस टू पावर 10, चार जो बच्चे जाग रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, वेरी गुड। अब देखिएगा यहाँ पहले नंबर्स को देखना, नंबर्स में क्या होगा 9 को 9 से कैंसिल आउट करेंगे, आसान हो गया, 16 विल बी कैंसिल आउट विद 16, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, देखें ऊपर बेटा हमारे पास क्या बच रहा है p रेस टू पावर 12 2 रेस टू पावर 16 और नीचे हमारे पास आ रहा है देखें ये q रेस टू पावर 10 है बेटा और ये q रेस टू पावर क्या है 2 आ रहा है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी q रेस टू पावर 12 हो जाएगा और p रेस टू पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और ये क्या लिखा हुआ है p a प्लस बी ओवर q रेस टू पावर a माइनस बी। अब इधर आके थोड़ी सी चेंज है सवाल, ठीक है इसको देख लिया जो बच्चे अभी दूसरा क्वेश्चन कोई नेक्स्ट कहीं पे देख रहे हैं तो इसको जरा मेरे साथ साथ जरा देखते रहें, इसमें थोड़ी चेंज क्या है कि ऊपर उसने न्यूमिनेटर में p लिखा हुआ है, इसलिए आपने क्या करना है, अच्छा देखिए अब डार्क में हम क्या करते हैं कि अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो पावर कम है उसको आप चेंज करें और जो पावर ज़्यादा है उसको हमने वैसे रहने दें, लेकिन यहाँ पर आपने यूँ नहीं करना, यहाँ पर आपने फोकस करना है कि देखिए ऊपर आपके पास p है और नीचे वाले पर क्या आ रहा है पास, तो यहाँ पर भी हमने उसी ऑर्डर में ही लिखना है, ठीक है कि p की वैल्यू ऊपर रखनी है और q की वैल्यू नीचे लिखनी है, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखिएगा कि देखिए यहाँ पे p की वैल्यू 12 है बेटा और यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, तो हम यूँ कर रहे हैं कि p 12 माइनस 4 और फिर q को देखना है आपने, q नीचे लिखना है, q पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा 12 लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ है 16, तो जब ये नीचे वैल्यू जाएगी तो ये माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है जो पहले कम जन चेंज हम करते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा आपके पास बेटा p रेस टू पावर a प्लस बी ओवर q रेस टू पावर a माइनस बी, क्लियर की बात यहाँ तक।
अब आप देखिएगा, हम अब इसको कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ कि देखें ये भी बेटा पी हो गया, बेसिस दोनों के सेम है, तो मतलब मैं यूँ लिख रहा हूँ कि ए प्लस बी, या इसको एक स्टेप और कर लेते हैं यहाँ पे कि पी रेज़ टू पावर 8 बन गया बेटा, और क्यू रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा माइनस का 4, और फिर मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी ओवर क्यू रेज़ टू पावर ए माइनस बी। अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 4। अब ये पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन में उसने यही लिखा हुआ है कि कन्वर्ट इनटू साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तो यूं समझेंगे पूरी सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास बेटा क्या बन गई है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई। अब आपका फर्दर इसको हमने सॉल्व करना है, कैसे करेंगे कि अगर आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 है और ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 4। अब हम इलिमिनेशन मेथड बेटा यूज करें, एलिमिनेशन मेथड यूज करें बेटा अपने, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन बड़ी हुई है, क्या करेंगे बेटा बी से भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए दैट विल बी 2a इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम जब a की वैल्यू निकालेंगे 4/2, इसका मतलब है a की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी आपके पास 2/2। ठीक है, अब हम कह रहे हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन, अब कोई भी क्वेश्चन ले लें जो हमें आसान लग रही होगी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, ए की जगह पे बेटा हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, बी इज इक्वल टू 8, जब 2 को हम इस साइड पे ले जाएंगे तो बी इज इक्वल टू 8 माइनस 2 देन बी इज इक्वल टू 6, तो आपके पास बेटा ए की वैल्यू 2 आ गई और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा 6 आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ओवरऑल ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 6, तो ये आपके पास होगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया ये वाली चीज़, तो ये जो क्वेश्चन आपके पास है, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 9th और 10th एग्जाम के लिए। थैंक यू।